हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की होने वाली है और लीब्रा कैल्क में हम खास क्या सीखेंगे, आइए आपको दिखाता हूं। यहां पर देख सकते हैं लीब्रा कैल्क में भी आप चेक बॉक्सेस बना सकते हैं और ये चेक बॉक्स मैंने बनाया कैसे अभी आपको बताता हूं। यहां पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो चलिए ये समझते हैं कि ये चेक बॉक्स कैसे डिजाइन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां से व्यू पे जाना है। व्यू पे गए और व्यू पे जाने के बाद आपको कहां आना है, ये टूल बार जो दिख रहा है यहां पर आप आ जाइएगा और टूल बार पर आने के बाद आपको फॉर्म कंट्रोल पे जाना है, ठीक है। तो आपको यही प्रोसेस दोहराना है कि सबसे पहले टूल बार पे आ जाइए व्यू पे जाने के बाद और यहां से आ जाइए फॉर्म कंट्रोल पर। तो ऊपर आपको ये पट्टी सी दिखाई पड़ेगी, यहीं से हमारा ये जो चेकबॉक्स है वो डिजाइन होगा। तो ये चेकबॉक्स अभी डिजाइन कैसे होगा, अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से ये डिजाइन मोड पे जाता हूँ। तो जैसे ही मैं डिजाइन मोड पे जाता हूँ तो ये सारी चीजें हाईलाइट होती हुई आपको दिखेंगी। तो यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ड्रैग करवा दीजिए माउस को कुछ इस तरीके से। ये ड्रैग करवा दिया तो ये चेकबॉक्स यहाँ आ गया, लेकिन अभी इस पर टिक नहीं हो पा रहा है। ये टिक कैसे होगा और इसका नाम कैसे चेंज करेंगे वो बता देता हूँ। यहीं पर आप राइट क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कंट्रोल प्रॉपर्टीज आ रही है। तो ये कंट्रोल प्रॉपर्टीज पर चले जाइए और ये जो लेबल है ना, लेबल को बदल दीजिए, ठीक है, लेबल को बदल दीजिए। तो यहाँ पे इंडिया लिख देता हूँ मैं, तो ये लिख दिया मैंने इंडिया, और इंडिया लिखने के बाद यहाँ से इसको बंद कर दीजिए। तो ये इंडिया नाम से चेकबॉक्स क्रिएट हो गया, लेकिन क्लिक तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो क्लिक कब होगा, क्लिक होने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली ये जो है ना, यहाँ पे टूजल मोड है, ये डिजाइन मोड है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से क्या करना है, अपना मोड चेंज करना है। तो ये जो है ये डिजाइन मोड पे आ जाएंगे आप, तो यहां पे देखेंगे कि ये टिक होने लगेगा, ठीक है। अब आप इसी को चाहे तो कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के लिए वापस से आपको मोड चेंज करना पड़ेगा। यहां से मोड चेंज कर लीजिए, ये मोड चेंज कर लिया, आप यहां पे जाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा और कॉपी करने के बाद यहां पे पेस्ट कर दीजिए तो ये इंडिया नाम से दो चेकबॉक्स बन गए हमारे, ठीक है। और यहां पे आप चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके और कंट्रोल प्रॉपर्टीज पे जाना है और ये इंडिया हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ पे कर देता हूँ यूएसए, ठीक है। तो ये दो नाम मैंने लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर यूएसए आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये चेक बॉक्सेस कैसे बनाए जा रहे हैं। और इस पर आप फिर आप ये काम नहीं करेगा, काम कब करेगा, काम तब करेगा जब आप मोड चेंज करेंगे। तो फिर यहाँ से आप मोड चेंज कीजिए, यहाँ समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।